हेलो, बड़ा बढ़िया आप लोग धुन तरज और बिरहा सुने। एक फौजी की कहानी आप लोगों ने सुना कि देश के लिए फौजी मरता कैसे है। इधर से भी एक फौजी की कहानी होगी, यह कैसन फौजी की कहानी है बाबूजी। दिल और दिमाग लगा के अगर आप लोग बिरहा सुनबे तो फौजी के जीवन होत कैसे, यह कहानी में आप लोगों को समझ में आ जाएगी। एकरे पहले मास्टर साहब कौन तरज बजाओ होता है। प्रेमी अपने प्रेमिका से कहत रहा, बड़ा चोलिया से पानी राजा जी। अब बतावा जवन जवन तर्ज निकलता है, पहले तो हम हड़बड़ाई के हमके तख्ता देखत जाए ना, यस मुसरा अगर फूटा पे तो बहू सकत का यार टीटा का कर दो। ए भैया उ लड़कीवा एक चीज और हिदायत दे दे, कैसे दे दे, कपड़ा पहनी हा प्यार चटकरानी के हथवा में ले ली हूं मोबाइल सैमसंग के। यही पवन
सरजमी से भैया के तरफ से 51 रुपये के। झलक के बदन सारा कहावा से कुर्ती सी अवलू न हो, झलक के बदन सारा कहावा से कुर्ती सी अवलू जवानी बटाई बटनी। के हो खाई तो रसदार चटनी, भजन होता नहीं हो कि जितने में रस टप कैसे, और एकर कानो और छोड़ना नहीं होता ही रही। आप लोग बड़ा बढ़िया फौजी की बिरहा बाहर से सुने हैं कि जो देश के लिए शहादत हुआ, और ये हमार आशा नहीं पूर्ण विश्वास बा ऐसे फौजी की कहानी आप लोगों ने सुना जो जात का ठाकुर था, रवि सिंह नाम था, और हम उस फौजी की कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं जो जात का वह भी ठाकुर था, छत्री था, यानी कि अपने हिंदुस्तान का असली ठाकुर चौहान था वह। ऐसे फौजी की कहानी आप लोग सुन रहे हैं और गौर करेंगे यह कहानी है कैसी। चला नहीं होत, कोनो डीएम के लड़कियां नहीं होत बाबूजी।
फौज में देश की रक्षा करने के लिए वही लड़का जाता है जो गरीब घर से होता है, जिसकी मजबूरी होती है। और आज तक आप लोग कहूं न सुने हो कि देश के खातिर कौनो मंत्री के बेटवा शहीद हो गया, या कौनो डीएम के बेटवा शहीद हो गया, या कौनो आईएएस के बेटवा शहीद हो गया। ये गरीब का बेटा बाबूजी शहीद होता है, वाली का टुकड़ा बा। आप लोग सुने हैं कि अपने जवानी के आलम में दादा रामदेव और बुल्लू दादा गवे, यह कव्वाली अपने जवानी के आलम में हमारे जिला जवार के बिरहा गायक गुरुजी हैदर अली जी और लहरी लाल जी गाते थे। कैसे गावे? कि मजहब दोनों एक है, मजहब दोनों एक है, बस बदला करी इशारा करती है। यह शान तेरा बागी, यह शान तेरा बागी, हम कैसे चुका मिलता है भैया सेनापति सरोज जी की तरफ से 51 रुपया का पुरस्कार बा। और आदरणीय पूर्व प्रधान जी अवधेश नारायण सिंह जी राजपूत पावन नगर से 21 रुपया का पुरस्कार बा। और आदरणीय बड़े भाई बहुत सम्मान और दुलार मिलता है सेठी यादव परसाडी के पवन सर जी में से 11 रुपया का पुरस्कार बा। नमन बा, आशीर्वाद का कामना बा। देखा ही कहानी है कहां की नजम कला इन बा। ओना
1947 में देश का बंटवारा हुआ, उसी दंगे में अमरपाल स्वर्ग प्यारा हुआ। पत्नी है कमलावती गोद में दो लाल है, पत्नी है कमलावती गोद में दो लाल है, भाभी है हिंदुस्तान स्थिति बेहाल है। गोद छोटा झोपड़ी बनाई है, आदरणीय समाज के सम्मानित व्यक्ति दिलीप कुमार सरोज यही गांव के निवासी, आप कमेटी के व्यवस्थापक हैं, आपकी तरफ से 51 रुपये का पुरस्कार बा, नमन बा, आशीर्वाद की कामना बा। भैया सीटी न दे रहे चौ, कहानी आप लोग गौर से समझ ले। जब अपन हिंदुस्तान में क्रांति की लहर चलत रही और देखे संभाल और देश आजाद हुआ, आजादी के वक्त में कुर्सी के लालच में ट्रेवल कम कर बाबूजी आपसी दंगा हो गया, हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान के दंगा, जिन्ना कहा कुर्सी हम ले, पंडित जवाहरलाल कहन कुर्सी हिंदुस्तान अपने भारत देश में। जब हिंदू और मुसलमान का जबरदस्त दंगा हुआ तो लाहौर के धरती पे बाबू अमरपाल चौहान रहत रहे। अब इस कहानी पे आप लोग गौर करें, लाहौर के धरती पे बाबू अमरपाल चौहान रहत रहे, उही दंगा में अमरपाल चौहान मारा गए। अमरपाल चौहान वही दंगा में मारा गए बाबूजी। मेहरारू कमलावती के गोद में दुई लड़कियां हैं, चार चार साल के दोनों जोड़ौरा, एक लड़किया के नाम बाबू अमरपाल दंगा में मारा गए, मेहरारू कमलावती बा, कमलावती की गोद में दुई लड़किया के नाम रामू बा, एक लड़किया के नाम सामू बा। बिहड़ रूप ले लिया वो बेचारी दोनों लड़कियों के लेके हिंदुस्तान भगी, एक लड़किया के नाम रामू रखे रहा, एक के सामू रखे रहा, दोनों की एक मेल के चेहरा मिले। रामू हाथ से वहां दंगा में छूट गया और सामू के लेके हिंदुस्तान डाकी आई। हिंदुस्तान बाबूजी डाकी आए पंजाब प्रांत में जिला अमृतसर बा, वहीं पहुंची बा। बेचारी मरती क्या न करती, जवान मर्द जेकर मर गए हुए, दो लड़कियां लेके भगी एक ही छूट गए हुई, मजबूरी में करे ते का करे, रोज चली जात बा अमृतसर में पहुंची बा और एक झोपड़ी वही बनवत बा, एक कास और करकट के झोपड़ी बनाई के वही अपने छोटका लड़किया सामू के लेके रहे लाग। एक लाइन तर्ज बा, तर्जिया दादा राम कैलाश जी बहुत बढ़िया गा वही, अरे सानना नरतिया डोले, सानना नरतिया डोले, बहिला पावनावा हो,
अदनिया भौजी कहिदा भैया जी से दई दीतने गावा हो आज बेचारी कमला चौहान रोत बा वहां लड़किया के याद में रोत बा जवान लड़किया दंगा में छूट गए पता न मरा गए होए कि जियत होए तो रोवेली मतारी छूटल हां रोवेली मतारी छूटल रामू मोर लला ललन यादव सराय हरिराम के पवन सर जिमी से भैया के तरफ से 51 रुपया का पुरस्कार बा नमन बा तो रोवेली मतारी छूटल अरे रामू मोर ललनावा हो रातिया भयावन लागे रातिया भयावन लागे बीते नाही मागी मागी भिखिया माई दीनवा भिखारी भूखिया पियसिया सही के भूखिया पियसिया सही के श्याम के पढ़ावै हो श्याम के पढ़ावे करे मजदूर बेचारी अरे माज सब कबार तनावा हो दुख दूर हुई भगवन हाँ दुख दूर हुई भगवन पालैया रमनावा हो बड़े भाई नंदलाल सरोज नंदलाल सरोज स्थानीय निवासी भैया के तरफ से 51 रुपये का पुरस्कार बा नमन बा आदरणीय पूर्व प्रधान जी अजय कुमार यादव जी के द्वारा भाव को समझते हुए 51 रुपये का पुरस्कार बा भैया के नमन बा आशीर्वाद का कामना बा हे भैया कमला चौहान बेचारी अमृतसर में एक झोपड़ी बनाई के केहू के बर्तन माजे केहू को ऊपरी पात है कहीं भीख मांग ले कहीं पुरान कपड़ा अगर पाई जाए तो अपने लड़का सामू बरे उठाए के लेता हुए वहां अपने सामू को पाले अपने जीव से ज्यादा पाले कि यह हमार अगर बेटवा जी जाए तो हो ही सकत है हमार कष्ट भगवान दूर कर दे ले जाए के प्राइमरी में ओकर नाम लिखाई दे प्राइमरी में नाम होकर बड़ा प्यारा नाम लिखा है श्याम प्रताप चौहान
नाम लिखाई देश लड़किया पढ़त बा, गरीबी के जीवन जियत बा, धीरे धीरे बढ़त बा, धीरे धीरे लड़का बड़ा हो रहा है। एक लाइन तर्ज बा, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे सियान होएगी, यानी कि 19 साल को होएगी। श्याम प्रताप चौहान तो बिरही गरीबी झेल कर सयान हो गया, बिरही गरीबी झेल कर सयान हो गया, किस्मत की बात फौज का जवान हो गया। देखिए भगवान की कृपा, कमला बेचारी रोज जाए के भगवान को पूजा करे कि हे प्रभु हे नारायण, एक टाइम खाब हम अपने बेटवा के खियाऊ पियाऊ, हमार दुख दूर हुए। भगवान का करिश्मा आप लोग देखिए कि जब लड़किया सयान भ 18-19 साल को होगी, फौज के भर्ती चलत रही और पढ़त रहबे, भगवान की कृपा से वह फौज में चला गया। तो मरना है देश खातिर पीछे न हो कदम, दुश्मन की रूह कांपे, दुश्मन की रूह कांपे तिरंगे की कसम, दुश्मन की रूह कांपे तिरंगे की कसम, दुश्मन की रूह कांपे तिरंगे की कसम। जय इनकलाब भारत माँ किसान हो गया, जय इनकलाब भारत माँ किसान हो गया, किस्मत की बात फौज का जवान हो गया। भैया भगवान की कृपा से जब श्याम प्रताप फौज में होइ गए, पहली तनखा पास तो माई पहली तनखा निकाल के ऊपर अंगव रख दी। वाह, कहां है बेटवा, यह तनखा ही के हम प्रसाद चढ़ाऊ, हमार भगवान सुन लेन, हमार बेटवा फौज में होइ गए। आज तक वहां गरीब बेचारी के पूछे वाला नहीं रहा, कोई पूछने वाला नहीं था, दुनिया तंज कसे, लेकिन लड़का के फौज में होते रोज देखवा रहा शुरू की थी, तब देखुआरन के लाइन लगत हुए। लेकिन देखिए 65 में लड़के जबकि पाकिस्तान हारा है, 65 में लड़के आया समय 71 का पढ़ा दोबारा है, लड़ने के लिए जंग का ऐलान हो गया, लड़ने के लिए जंग का ऐलान हो गया, किस्मत की बात फौज का जवान हो गया। में भारत और पाकिस्तान की युद्ध हो रहा, 71 में जब दोबारा पाकिस्तान चढ़ा बाबूजी, बांग्लादेश के बंटवारा में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का दोबारा जंग हुई, तो लड़ाई करने के लिए जंग का ऐलान हो गया। उस श्याम प्रताप चौहान उस गरीबनिया कमला के बेटवा बटालियन में जा रहा है लड़ाई करने के लिए, और दिल में जोश है, जज्बा है, कमला कहत बा कि बेटवा ये देश की बात है,
अपने देश की बात है, चाहे जान चली जाए पर कदम नहीं पीछे हटना चाहिए। आज महतारी अपने बिटवा के विदाई करत बा, एक लाइन टेरी बला ले। हाय हाय हाय, तिरंगा पाकिस्तान पे गड़ी, तिरंगा पाकिस्तान पे गड़ी, गरजे लाग हिमालय ज्वाला फेंके गंगा, तिरंगा पाकिस्तान पे गड़ी। गरजे लाग हिमालय ज्वाला फेंके गंगा, तिरंगा पाकिस्तान पे गड़ी। दुनिया के जवान अपने हिंदुस्तान के जवान पाकिस्तान से लड़ने के लिए चढ़ गए बाबूजी। लड़ाई छिड़ गई है, दोनों तरफ से गोला और बारूद दहक रहा है, कोई जगह चौलर का भाव है कैसे। समाज के सम्मानित व्यक्ति, जन जन में सम्मान पाने वाले, बहुत ही प्यार और दुलार मिलता है पूर्व प्रधान जी अजय कुमार यादव जी के द्वारा 51 रुपये का पुरस्कार बा, नमन बा, आशीर्वाद का कामना बा। हे भैया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हुई, पाकिस्तान हार गया, यह प्रमाण मिलता है कि हमारी हिंदुस्तान की फौज 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लेती है और उन्हीं में मुश्किल से 2,500 या 3,000 फौज हिंदुस्तान को पाकिस्तान में बंदी बनी गई। यार 93,000 वो हर 2,500 या 3,000 ऐसे ज्यादा नहीं, पाकिस्तान में बंदी हो गई। और जवन पाकिस्तान में हिंदुस्तान को फौज पकड़ान, वही में श्याम प्रताप पकड़ाइए, कहानी के ऊपर गौर करेंगे। वही फौज में श्याम प्रताप पकड़ा गया, पाकिस्तानियों के हाथ में लग गया। एक लाइन तर्ज में कैसे ला, ये दर्जिया की माई कहाँ की बेटी, माई बपाई काहे की बड़ी दूर हो, माई काहे के बेटी रे बिया भई हो, बपाई काहे के बड़ी दूर हो, माई काहे के बेटी रे बिया भई हो, बपाई काहे के बड़ी दूर हो। जीती गई ले जंगा अपने,
कैयौ हजार सैनिक पकड़े जवानवा हो, कैयौ हजार सैनिक पकड़े जवानवा हो, श्याम धरैले पाकिस्तान हो, हमारे अखाड़े के ही छोटे भाई बहुत ही सुंदर ब्रह गायक कलाकार अधेश मणि यादव किलापुर तराठी के पवन सर जी में से 51 रुपया का पुरस्कार बा, नमन बा, आशीर्वाद का कामना बा। आदरणीय भारत लाल यादव दुबे का पूरा का पवन सर जी में से 21 रुपया का पुरस्कार बा, नमन बा, आशीर्वाद का कामना बा। कहानी पर गौर करेंगे, श्याम प्रताप पाकिस्तान में पकड़ान बा। एक दिन की बात है बाबूजी, गौर करेंगे, श्याम प्रताप तो पकड़ाया है, पाकिस्तानी जनरल बैठा है। रुक जा यार, कहानी बताओ कि किड़कर जिन करा जी, ये बढ़िया समझ में आवे। श्याम प्रताप पकड़ान बा, पाकिस्तानी जनरल बैठा बा। वही समय पाकिस्तान की एक सैनिक रहा जेकर नाम रहा गुलजार खान। गुलजार खान को पाकिस्तानी जनरल बुलाया और कहत भी कि यार गुलजार खान कहे का कहे तोहार चेहरवा और जवन हिंदुस्तान से सैनिक पकड़ान बा श्याम प्रताप दोनों के चेहरवा एक कई मेल के मिलत। कहन हा हुजूर, तो कहत बा तो पाकिस्तानी जनरल गुलजार खान को बुलाया और गुलजार और श्याम का चेहरा मिलाया। जय बे गुलजार खान भारत नगरिया में, जय बे गुलजार खान भारत नगरिया में, करिहा जासूसी हिंदुस्तान में, संतोष कुमार पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य भैया की तरफ से 51 रुपये का पुरस्कार बा, नमन बा। गुलजार खान के बुलाए के पाकिस्तानी जनरल कहत बा, ये गुलजार खान तोहार चेहरवा श्याम प्रताप से मिलत बा, हिंदुस्तान में एकरे बदलवन में तू चला जा। बाबूजी, जब हिंदुस्तान का फौज पाकिस्तान में जाए लाग और पाकिस्तान के फौज जोन पकड़ान रही, बाबूजी पाकिस्तान में जाए लाग और हिंदुस्तान के फौज जोन पाकिस्तान में पकड़ान रही, वो जब हिंदुस्तान में आवे लाग तो वही फौज के बीच में श्याम प्रताप चौहान को रोक लिया वहां का जनरल, और हिंदुस्तान में गुलजार खान फौजी पाकिस्तान वाला गुलजार खान के श्याम प्रताप को वर्दी उतरवाई के गुलजार खान के पहनाई के भेज दे हिंदुस्तान में, कहा जा गुलजार खान कुछ दिन वहां पर जासूसी करना, वहां क्या होता है, क्या रणनीति होती है, कौन सा औजार कहां रखा गया है, एकर जासूसी कही कि तू पाकिस्तान चला है। कहा ठीक बा हुजूर, गुलजार खान चला है हिंदुस्तान में, फौजियन की आदान प्रदान हो गई, यही जगह पापट का भाव। एक दिन गुलजार खान जब चला आए तो वहां हिंदुस्तान के जनरल कहे कि गुलजार खान कहन हा हुजूर, कहा यार कुछ दिन के लिए तुम चले जाओ अपने घर, तुहार महतारी बहुत रोवत हुई, लड़ाई इतनी जोरदार भाई, तुहार महतारी बहुत रोवत हुए, और तोहका अकबारी में पाई जाए तो करे कलेजा में एक बार संतुष्टि हुई। गुलजार खान ते अपने मन में सोचते ही बा कि यही तो हम चाहते हैं कि घरा दुअरवा तक जाएगी, देखी हमका तो जासूसी करेगी। गुलजार खान अमृतसर वहां बुढ़िया कमला के यहाँ चला आया,
बैठा बा महतारी रोए रमेश छाती से लगाए कि हमार बेटवा श्याम प्रताप लौटिए, श्याम प्रताप लौटिए और अखबारी में भर लिहेस और बढ़िया से जवन नमक रोटी ओकरे पास बा खियावत बा, एक दिन की बात है। बुढ़िया महतारी एक दिन अपन पुरान बक्सा साफ करत रही, बाबूजी बक्सवा साफ करते ही माने की पुरान फोटो निकली, पुरान फोटो निकली तो गुलजार खान कहत कि माई फोटो में चार लोग के बैठब एकत ही बताओ, तो उ बुढ़िया मातारी रोई के बतावत बा पपट के भाव का बतावत बा, अरे प्राणनाथ गए प्राणनाथ भय हमरो मांग सिगारा मारा दंगा में, प्राणनाथ भय हमरो मांग सिगारा मारा दंगा में, अब बगल में बैठा रामू लाल हमारा मारा दंगा में, रोई के कहत बा कि पति और एक बेटवा खोए, पति और एक बेटवा खोए, रूठ गए भगवान हो लगा करे जा तब ऐसे धड़क गई, और सोचे गुलजार खान हो कहेला कि बेटवा जोन पुरान तस्वीर बा कहे हा माई, गुलजार खान कहत बा हा माई, कहे बगल में जोन बैठा है हमार पति परमेश्वर है, इनका नाम अमरपाल चौहान रहा, और बंटवारा जब देश के तो करे पहले हमार घर पाकिस्तान लाहौर में रहा, वहां दंगा में हमार पति परमेश्वर मारा गए, इनके बगल में जवन ये बेटवा हमार बैठा बा, ये बेटवा का नाम हमारे रामू है, वही दंगा में छूट गया हम भगी रहे, हो सकत हमार बेटवनो वही मर गए हुए। रामू हड़बड़ा गया, अरे बाप रे गुलजार खान हड़बड़ा गया, कहत बा अरे मन में सोचत बा, गुलजार खान मन में सोचत बा कि अरे बचपन में था रामू नाम हमारा मारा दंगा, अरे बचपन में था रामू नाम हमारा मारा दंगा में, अब भरी अखबारी गिर गया खाई पछाड़ा मारा दंगा। जब हम चार साल के रहे तो हमार नमुआ रामू रहा, अरे बाप रे बाप ये हमार माई है, ये तो हम ही छूटा रहे पाकिस्तान में अखबारी में भर के लाग रोए कि अरे माई हम तोहार बेटवा ही, हम तोहार बेटवा ही माई, उहे रामू हम ही, मातरिया के तड़ा तड़े आंसू गिरेला कि अरे बाप रे बाप बेटवा तू तो श्याम प्रताप है, कहे नहीं माई हमार नाम गुलजार खान, हम पाकिस्तान में ही और हम उहे तोहार बेटवा ही जो छूटा रहे, दोनों मातारी बेटवा बाबूजी नयन एकदम झरझर झरझर लाग गिरे, अखबारी में भर के दोनों लागे रोए, अपने जीवन के कहानी गुलजार खान उ रामू बतावत वे अल्लाह का भाव कैसे बतावत बलाल, अरे जीवन के कहानियां, और माई के नयना से बाजल धार, अम्मी रुबीना बानो पाल के खेलावनी,
अबूलिया कतियाली दिहले खूब प्यार बतावत बाकी हे माई रुक जा हे माई बचपन में जब हम छूटा रहे पाकिस्तान में वहां दंगा में तो हमारा नाम रामू रहा हमका खाली रामू नाम याद रहा और हमें ये नहीं पता बा कि हमार माई के हमारे बाबू के हमारे बाबू का का नाम बा माई के का नाम बा भाई के का नाम बा ये हमका जानकारी नहीं बा हमार नाम रामू रहा बचपन में हमका खूब ध्यान बा लियाकत खान चच्चा हमका परुआ पाए रहे माई और उनकर पत्नी रही रुबीना बनो जोन हमार सेवा सत्कार करी साल भर वो लोग अपने अखबारी में भर के हमका चारों ओरी भ्रमण करन की जेकर लड़का हो ले जा लेकिन कोई बता नहीं पाया भाई आज वो लोग तो इस दुनिया में नहीं है लेकिन जब कोई बता नहीं पाया उनके पास लड़किया नहीं रहे तो हमारे मुसलमानी करवाई के मुसलमान बनाए गए अपन लड़किया हमका बनाए ले हम तोहार बेटवा रामू ही भाई हम तोहार बेटवा रामू ही दोनों मातारी बा बेटवा एकदम रोवत है और बात बतावत बाकी हमार छोट भाई श्याम प्रताप पाकिस्तान के जेल में बंद बा तो अपने भी अपने बीरा नावा के जाई के छोड़ू भाई बंद कैले पाकिस्तानी सरकार चली भाई जवान लेके हाथ राई खलिया पाकिस्तानी जनरल बोला आए गुलजार आदरणीय पूर्व प्रधान जी अजय कुमार यादव जी के द्वारा 51 रुपये का पुरस्कार बा नमन बा आशीर्वाद का कामना बा हे भैया राइफल उठाया गया अपनी बटालियन में ड्यूटी लग गई बॉर्डर पर अब दिमाग में सनक लगी बा कि अपने भाई हम श्याम प्रताप को छोड़ाऊ जरूर बा एक दिन बाबूजी कटबंधवा तार गुलजार खान डाक गया गुलजार खान डाक गया पाकिस्तान में पहुंच गया पाकिस्तानी जनरल पकड़ की अखबारी में भल लेस कि ओ गुलजार खान हिंदुस्तान से लौटी आया है कहन के हाँ हुजूर हम तो लौटी आए कहाँ और बतावा हिंदुस्तान में कहाँ जासूसी करे कहाँ ये हुजूर हम कल बताऊ आज हमका आराम करे दे कहाँ ठीक बा तो दूसरे दिन का भा 12 बजे रतिया की जेलिया में गई ले दोनों भाई रोवे लागे भर के अकवार हाथवा में हाथ धर के भागे हो जवाना वा जानी नहीं पाया कोई भाई ने फरार बॉर्डर कहले पार दोनों हिंद के जवनवा सोचे आए आतंकी यार बारह बजे रात में गुलजार खान अपने भाई श्याम प्रताप को लेके बाबूजी बॉर्डर पर आया वो का के रोके वाला वो तो पाकिस्तानी फौजी है दोनों भाई हाथ में हाथ पकड़े आए और बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान में यहां से हिंदुस्तानी फौज देखत बा कि दुई आतंकवादी वह चला हुआ है खबरदार इन्हें जाए न पाऊ आतंकवादी समझ के तो मार दिहले गोली अरे मार दिहले गोली हमारे हिंद के जवनवा श्याम प्रताप भैया गिरल बा वही बार
बाकी अपने वतन पे चलते ही अपने माई के कोरा में जाते ही जैसे बाबूजी बॉर्डर क्रॉस हुए हिंदुस्तानी फौज के का पता बा कि ये कैसन जवान है। हिंदुस्तानी फौज सोचे कि ये साले दोनों आतंकवादी घुसा चला हुआ है, उठा करके गोली मार दिए। श्याम प्रताप के सीने में गोली यहाँ पार से वहां पार पार हो गई, तुरंत गिर गया बाबूजी, तुरंत प्राण निकल गया। गुलजार खान जो उसका भाई रामू है ओकरे जंघा में गोली लागवा, बाह में गोली लागवा, गिरा वा रोत बा कि भैया महाराजिन हम लोग दोनों जने हिंदुस्तान के फौजी है। तब तक तो फौज के जवान जाय के घेर लिए कोरा उठाए लेन, एक भाई मर गया बा, एक भाई जियत बा, बक्तत बा। सारी कहानी बतावत बो कि भैया ऐसे ऐसे बात रही, हमार सब को बचपन बहुत गरीबी बहुत मुफलिस में गुजरा बा और हमार महतारी इंतजार करते हुए पंजाब प्रांत अमृतसर में तड़ातड़ आस गिरे लाग। हिंदुस्तानी फौज को बहुत बड़ी गलती हो गई, ये बेचारे दोनों कितना संघर्ष कितना कष्ट सहे, बॉर्डर क्रॉस हुए अपने महतारी से मिले इबरे लेकिन पहुंच नहीं पाए, हमार लोग को गोली चली गई। अपने हिंदुस्तान के जवान दोनों भाई के कान्हे पर लात के लेके चल दिया, एक तो मर गया है और एक धीरे धीरे बोल रहा है। गुलजार खान कहत बा कि भैया हमका अंतिम समय में अपने माई से मिलाई दे, लिया के जवनी सही आए बाबूजी, पूरा मेला चार छह गांव दस गांव वहां बुढ़िया कमलावती के मकान पे इकट्ठा हुए, सबके आस टपकत बा कि क्या जीवन है दोनों भाई इनके, दोनों फौजी, एक हिंदुस्तान से फौजी एक पाकिस्तान से फौजी, दोनों बॉर्डर पे अपने अपने देश के लिए मरने के लिए तैयार हो गए। इतना गरीबी के दिन इतना संघर्ष भरा दिन इन्हन जिए, लेकिन इतना बड़ा इनका खराब दिन है कि आज इन्हन की जान निकलत बा। जवनी साहित लास्ट दरवाजे पे आई बाबूजी, गुलजार खान अपने महतारी से रोई की एक बात कहत बा, का कहत बा कि हे माई अपने कोरवा में जल्दी से हमका ले ले अंतरा बा। अरे जी अरान धरे धीर कैसे रहबू माई हो, कि जी अरान धरे धीर कैसे रहबू माई हो, उड़त बा सुगनवा ले तू छती आई लालाई हो, उड़त बा वीर नाच है हिंदुस्तान पे, दोनों भाई मर गई ले अपने जियरई पे शान पे। जैसे महतरिया गोदिया मिले कहत बकी माई तोहरे श्याम प्रताप के लेते आवे गए माई, लेकिन ले गया है लेकिन अब कुछ कहत नहीं बनत, ये तोहार श्याम प्रताप है ना हमरो जीव बचे न माई, हमका अपने गोद में ले ले। गोद में जैसे महतरिया ले सो ईसो के जीरा पट से निकली, कहत बा का कहत बा तो देश देश कन शान जाए चाही जान जाई हो, अरे देश कन शान जाए चाही जान जाई हो, मरत की बेली माई छती लगाई हो। जोनी सही तो कर जान गुलजार खान के महतारी के गोद में निकला है, महतारी बहुत जोर से रोई, बहुत जोर से रोई और हार्ट अटैक आ गया। होता क्या है तो बेटावन के गम में माई छोड़ा लेने परनवा, महतारी ये उमर गई बेचारी, तो दादा राम ही दिलिए स्वर्ग में सिंहासन। किशोर नमन करे कब किशोर नमन करे सिरवा झुकाई हो, उड़त बा सुगनवा ले तू छती लगाई हो, उड़त बा सुगनवा
से कहा कि बॉर्डर पे अपने देश के रक्षा करने के लिए कोई गरीब का ही लड़का मरता है। वाह, कोनो आईएएस की लड़कियां, कोनो डीएम की लड़कियां, कोनो मंत्री या मुख्यमंत्री की लड़कियां नहीं मरत बाबूजी। आज दोनों भाई मर गए। महतारी के बड़ा कष्ट में हार्ट अटैक आई बेचारी, वो तुरंत ही मर गई। अंतिम लाइन में उड़ान बा, स्वामी राम हित सीताराम कभी लहुरी भय स्वर्गेश, लहर 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 आये तिरंगा, जय हो भारत देश हो, तिरंगा पाकिस्तान पे गड़ी, तिरंगा पाकिस्तान पे गड़ी, तो राम किशोर कलम से राम सकल में रंगा हो, छोटी सी लोग वह तरज कलाइन मां की गोरी गई लिपि आवाज दे रोवे मन बड़े भाई भानु प्रताने में एक चीज देखे की मिलत बा कि यहाँ जमाने में मेहरारू घूंघट नहीं देती है, घूंघट हटाई जाती है। पहले के जमाने के माई बहन घूंघट निकाल ले, अब के जमाने में जो घूंघट देती है उनका जवन ज्यादा पढ़ी लिखी यहाँ कहते हैं देखा ये पुराने जमाना के। यही भाव में कहना बा घूंघट से कई लाभ हो, जोन मेरारून घूंघट लगावत थी उससे कई लाभ होते थे। चला घूंघटा में बहुवरी सोहाए, घूंघटा में बहुवरी सोहाए, खोली चले घूंघरी घूंघट दई ले, अगर चेहरा एकदम काला भाया कहूं प्रूफ हुआ तब वो अच्छा लगे। घूंघट दिए से पहला लाभ एक लाभ है, दूसर का लाभ का बा नारी सब का देखियो का देखई नाही कोई, नाही सुघरई अवा पे जादू टोना होई, जादू तो ना होई। मेहरारू सबके देखत बा, मेहरारू सबके देखत बा, ओका केउ नहीं देखत बा। आओ तीसरका लाभ, सुघराई पे जादू टोना नहीं हो सकत। नाई ढेर जने कहा थी यार क्या गाल है यार, फलनिया बहु ऐसे जात रही तने के मोहना उठाए से बड़ी बढ़िया बहु। तीसरका लाभ हो। चौथा लाभ, चेहरा धूल माटी से बचाए। चार लाभ हो। पांचवा लाभ का,
नहीं केहू कामी से निगाह चारू होले, नहीं केहू ऐसे गोरी हंसी हंस के बोले। आदरणीय प्रधान जी, वर्तमान प्रधान विजय कुमार यादव जी के द्वारा 101 रुपया का पुरस्कार बा। आदरणीय डब्लू धुरिया की तरफ से, भैया की तरफ से 51 रुपया का पुरस्कार बा। नमन बा, आशीर्वाद का कामना बा। नाही केहू कामी से निगाह चार होले, ढेर जने तकाइन बड़े परेशान रहत, ई बाबूजी छठवा लाभ है। और नाही केहुए से गोरी हंसी हंस के बोले, अगर अंदर से हंसता हुआ तो केवल कर दांत ना देख पाओ, तो सतवा लाभ है बाबूजी। और यही से चरित्र झलकाए खोली चले फुहरी, ये आठवां लाभ हो गया। नवा लाभ का घूंघट सुघर आई कहउ ओए मिसालिया, प्यारा बप्पर भाई जत करेला सवालिया। सुघराई की मिसाल है, अगर कौनो मेहरारू के दांतों निकला बात क्यों नहीं जान सकत। एकदम प्यारा पर्दा है बाबूजी, प्यारा पर्दा है घूंघट, और आदर भाव बना रह जाए लाभ ही लाभ बाबूजी। और अंतिम लाइन में कहना है अमर सुहाग सिंदूर कवच बाबू देखा, अमर सुहाग सिंदूर कवच बाबू देखा, घूंघट बह आई कहुए लक्ष्मण रेखा। घट बेह आई के हुए लक्ष्मण रेखा, जितनी बेहया रही जान ले कि उनकर घूंघट मूड खुला रहे, जबरदस्ती ठट्ठा मारत रहती, आप लोग एकदम पहचान जान ले। आदरणीय 51 रुपया के पुरस्कार राजेंद्र यादव। और घूंघट बेह आई के हुए लक्ष्मण रेखा, अमर सुहाग सिंदूर कवच बाबू देखा, यहाँ जमाने में मेहरारू ठीक से सेनहुर तक नहीं लगावती। आदरणीय 51 रुपया का पुरस्कार पूर्व प्रधान जी अजय कुमार यादव जी के द्वारा, भाव को समझते हुए नमन बा। यहाँ जमाने में ठीक से न तो घूंघट देती है न तो सेनूर लगावती है, सेनूर तो यहाँ कमारा ना लगावती है, अगर क्यों जान ही लेकिन बियाह होगी बका, ई स्थिति यहाँ जमाने में चली आई। पहले के जमाने की अपने देश कमाई बहन बीच में मांग फार के चभक अगर सेनूर भल ले तो दू बीघा दूरों से देखा जना इटहवा चक्रोट चमक। यहाँ जमाने में सिंदूर के कोनो कीमत ना है, सिंदूर ही जवन बाद सुहागिन के पहचान होते। जिंदगी की कदर, जिंदगी की कदर एक बीमार आदमी जानता है बाबूजी, हीरे की कदर एक जौहरी जानता है, और सिंदूर की कदर एक सुहागन औरत जानती है, समय की कदर एक समय का मारा हुआ आदमी जानता है। लेकिन यह जमाने में मेहरारू कितना कहत रहा है ये दहनती उम्र जाए इनका चूल्हा में लगाए निपुर जाए इनसे अघाई गई, लेकिन जवनी सहित अपन मर्द मरत हुआ समय आसमान फटा था तब समझ में आवत घूंघट से इतना बड़ा बड़ा लाभ बा। कब किशोर, कब किशोर दी हले बता खोली चले फुहरी।